बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनाएंगे, क्रीमी फ्रूट चाट। अच्छा जी, क्रीमी फ्रूट चाट के लिए मैंने बनाना कट कर लिए हैं। ये हैं 4 बनाना और तकरीबन 8 से 10 हैं खुबानी। और ये आलू बुखारे हैं, ये तकरीबन 5 आलू बुखारे थे और मैंने आड़ू को कट कर लिया, 3 आड़ू थे। आम हैं, ये एक आम है बड़े साइज़ का था और 1 कप ग्रेप्स है। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने शुगर जो है वो ली है 2 टेबलस्पून, इसको मैंने पीस लिया है। चाट मसाला 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1/4 टीस्पून और नमक है 1/2 टीस्पून। इसके अंदर जाएगा क्रीम का एक पैकेट, कोई सी भी आप क्रीम ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम लेंगे एक पैकेट क्रीम का। हमने एक पैकेट क्रीम का लेने के बाद इसके अंदर हमने जो ये किसी भी चीनी, नमक, चाट मसाला और काली मिर्च थी ये डाल दिया। ये डालने के बाद हमने इसको करना है मिक्स। बहुत मज़े की बनती है और आप इसको रमज़ान में बनाएं, ईद पर भी बना सकते हैं, टेस्टी लगती है। वैसे फ्रूट कम खाया जाता है, इस तरीके से फ्रूट चाट बना लें तो फ्रूट भी ज़्यादा खा लिया जाता है। फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से भी ले सकते हैं कि जो आपको पसंद है आप वो फ्रूट ले लें। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर डाल दिए आड़ू और डाल दिए आलू बुखारे, साथ ही हमने इसके अंदर डाल दी खुबानी और डाल दिया बनाना। इसको हम करते हैं मिक्स। अच्छा जी, अब इसके अंदर डाल देंगे हम मैंगो और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे ग्रेप्स, मिक्स करेंगे। लीजिए, झटपट आपकी क्रीमी फ्रूट चाट हो गई है रेडी। टेस्टी भी बनती है, लुक भी इसका अच्छा आता है, सेहत के लिए भी अच्छी है। ये देखिए जी, कितनी झटपट, बस फ्रूट काटें, क्रीम के अंदर आप स्पाइसेस ऐड कीजिए और ये फटाफट आपकी मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट रेडी। अच्छा, इसको खाने से पहले आपने जो है फ्रिज में रखना है, इसलिए कि ये ठंडी अच्छी लगती है और जब ठंडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चिल्ड हो जाएगी तो मज़ा देगी। आप इसको बनाने के बाद फ्रिज में रख दें। ये हमारी मज़ेदार सी और झटपट क्रीमी फ्रूट चाट हो गई है रेडी। आप हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।